हाय बड़े भाई आए हैं नंबर वन व्लॉगर। जब चिराग मेरे व्लॉग में आते हैं ना तब मेरे व्यूज अच्छे आते हैं। बड़े जब मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हैं धनतेरस इसीलिए बर्तन लेने जा रहे हैं। लाइन लगी हुई है, हम तो वापस जा रहे हैं कहीं और से लेंगे। और फटाफट और स्पून ग्लास भी कही है परात प्रांत देख रहे हैं ना। हाँ मम्मा के साथ आई हूँ। अब आटा गुनने वास्ते कुछ है गया बाउल वगैरह कोई के किवें है टप्पर भेज दे दोगे फिर। अभी हम आए सूट में मौसम एकदम से चेंज हो गया और मैंने भी आज फुल कपड़े पहने हैं और अभी हम गरम गरम सूट पहने आए हैं। सर्दियों में गरम गरम सूप मिल जाए मजा ही है। अभी हम बेबी का फोटो शूट करने जा रहे हैं। कि मेरे अमन तेरा गला गुला खराब होया पे इनायत आज करनी है शूट टाइम बस तो थोड़ा ना बिजी रहनी। हाँ, नहीं बहुत सोना लग गया कल शॉर्ट चला इसी ब्लॉग। हाँ अच्छा इनायत आज तक तू मिली मिली नहीं कितनी मिली मिली नहीं कितनी एस्पेक्ट पहले लादे लादे फिर ज़्यादा पता है चंगा पता तो प्रांत इट्स व्याश वस्ते वाले सोने लगी जाता साडा काका है ना इनायत सोना लगी जाता। हाय बड़े भाई आए हैं नंबर वन व्लॉगर। जब चिराग मेरे व्लॉग में आते हैं ना तब मेरे व्यूज अच्छे आते हैं। बड़े हैप्पी धनतेरस आयो अंदर भाई वो उसकी ब्लॉगिंग नहीं नहीं वो तो गई ठंडी हवा सी पर मेरे बन्ने आई सी पर मेरे यहाँ लगा सी मेरे हवा दा आई ते मैं कितने थल्ली ना जाऊँ डर लगता है वो तो फिर ऐसी हमने इतनी गल कही सी भी ऐसे काम नहीं करने के फिर इत्थे आ जा दुनाल ता अपने तो इतने आपके काम करते मुंडे थले दुकाना से आप इस तरह बच्चे वो जो काम करने का अपन बहुत महसूस होंगे उस बाद नहीं उन्हें कोई काम किया है। नहीं आंटी वहाँ आती है ना वीडियोस जब मतलब कि बहुत सारे माँ प्यो बेचारे पैसे लगा के भेजते फिर बच्चे वहाँ पे जो स्ट्रगल कर रहे थे ना वो मेरे नाल आए सी एक लड़का वो 10 दिन बाद ही कहने लग गया मैं तो चलने वापस फिर इन्होंने तीन चार जने ने इन्होंने समझाया कहते पेरेंट्स पता है कितना पैसा ला के भेज दे अपन छाबड़े ने तुसी जानते ही होंगे शायद छाबड़े ने बेटा है ना लड़े मासी के उनके तलवार दे दिए। सनिया दीदी हमारी वेट कर रहे हैं ते फिर शोरत ले लो पी के आया दो बार पी लिया मैं हम दसो नेक्स्ट केड़ा करना है बार बाय बाय जावा मैं नहीं लेके जाना मम्मा नु पूछ पापा मैं कार चली नहीं
ਬਾਏ ਫੂਡ ਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂ ਕਾਰ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਸਨੀਆ ਦੀਦੀ ਹੁਣ ਕਾਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਾਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ मम्मा गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग कर रहे थे मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली मम्मा की अभी हम दिवाली की डेकोरेशन कर रहे हैं सोनू दे फिर तू सामने एमडी है चल व्लॉग बन रहा है आना था चलो मासी जी को मैं ऊपर जाके अपना रूम दिखाती हूँ हाँ ये बाहर वॉशरूम ही है ये कोई मतलब बाहर किसी और ने यूज करना हो अननोन ने पहले तो मैं नीचे ही सोती थी अब सोना शुरू किया है हाँ मेरा रूम पहले मैंने सूट डालना था फिर मैंने डाल लेंगे मम्मा ने रखा था अंकल एक बार ही कह दो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कह दो मैं क्या तुसी कह दो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो लाइक भी कर दो शेयर भी कर दो चलो बाय बहुत अच्छा लगा One day later. Hey guys, good morning. कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे. और आज दिवाली है तो आज मैं राइस बना रही हूँ गुड़ वाले राइस बना रही हूँ पहले गुड़ को हमने अच्छे से पानी में डाल लिया अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फिर हम राइस कुक करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी और आज मंदिर जाएंगे हम और बाहर सफाइयाँ चल रही हैं तो चलो फिर चलते हैं देखो गुड़ मेल्ट हो रहा है गाइस जब गुड़ मेल्ट होता है तो पानी का कलर ऐसा हो जाता है थोड़ा डार्क ब्राउन सा वीडियो में आपको थोड़ा ब्लैक दिख रहा होगा और जब हम राइस कुक करेंगे तब भी यही कलर राइस में आ जाएगा गुड़ वाले राइस बढ़िया होते हैं हेल्दी होते हैं शुगर कम यूज़ करा करो ट्राई करा करो कि गुड़ वाले बना बस जैसे हम नॉर्मल राइस डालते हैं मैंने एक गिलास राइस लिया और दो गिलास पानी और उसी पानी में मैंने गुड़ मेल्ट कर दिया था गुड़ मेल्ट करने के बाद उसको भून लिया था कई बार गुड़ में कुछ होता है तो वो निकल जाता है और बाद में मैं उसमें घी डालूँगी एक कड़ची से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है मैंने सारा दिन गाइस बहुत बिजी रही मैं पहले मंदिर में बहुत टाइम लग गया आज बहुत रश था और लाइंस लगी हुई थी इसीलिए काफ़ी टाइम लग गया अब घर आए हैं हम बंद करती सी बाद चो रश्मि को ले जाएंगे जे बंद हुई था हाँ वारी वारी हाथ ते लगी अंदर ना मम्मा सुंदर सुंदर दिए जला रहे हैं मैंने फिर मुझे बनाई थी मैं स्पार्कल लगी हूँ तो ये ओनली कैंडल थी ना ये लगा रही थी तो स्पार्कल लग गए पापा दी फिर बंद हो गई सच्ची डंडी चलान लग गया
मम्मा पीछे हो जाओ। निखिल और मम्मा मम्मा सिखा रहे निखिल को पटाखे चलाने का तरीका। अभी चला मनन बाल्टी गई आज फोन ही भर गया बहुत कुछ बनाया फोन बाबा फट फट कर ले मैं दिवाली वाला व्लॉग बना रहे फिर हां लैपटॉप पागर अब ना लैपटॉप भूल गए हां गया चंडीगढ़ पे उन्हें पागर सारा हां ही करूंगा किनायत ए बड़ा बढ़िया चल रहा कानी बंद हो गए हो गया जरा मैच कर चक अपने सकला अच्छा तो भी तो ग्यारह दे रहा हां 22 लाख का अर्ध पे ले है 11 लाख के अंदर तो व्लॉग बंद है असीम की स्ट्रगलिंग लाइफ ਫਾਈਲ ਆਤੀ ਅੰਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਬਣਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਗਿਆ 25000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 7 ਲੱਖ ਭੇਜਿਆ ਲੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਲੈਬ ਦੇ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ 25000 ਰੁਪਇਆ ਉੱਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਟੱਡੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਐਨ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਬਸ ਤੇ ਰੰਗ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਅੱਛਾ ਐ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਐਨਾ ਸੀ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਸ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ तीन वारी आईलेट्स करके गया तीजी वारी क्लियर हुई कॉलेज भी स्ट्राइक हो गई छुट्टियां हो गई उधरों भी छुट्टियां मतलब पैसा कमाया किस्मत सी होंदी पास हो गया चलो टॉपिक वधिया सी आज दा कंटेंट
ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ पहचानो ਚੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਦੋ ਰਹਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੱਜਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਉਧਰ ਦਵਾਲੀਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਬੀਬੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਨਾ ਦੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੋਰਤ4 3 23 4 14 4 3 33 3 7 37 2 7 27 2 1 21 ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਲਾ ਬਹੁਤ ਹਲਾ ਮੈਂ ਕੋ ਮਿਲ ਗਿਆ 2 9 29 ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਜੀ ਝਾੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਮੋਟੀ ਝਾੜੀਆਂ